पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और निर्मम हत्या की घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा चरम सीमा पर है, जहां भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं इस मामले को दबाने के लिए भी आरोप लगा रही है। शिमला में भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने भी घटना में लीपापोती करके सबूतों को मिटाने के आरोप ममता सरकार पर लगाए हैं और उनसे इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार आरोपियों को पकड़ने की बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सब नेता ममता बनर्जी से डर गए हैं, इसलिए कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आज मैं आप सबके बीच एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर आई हूं, जिससे पूरा देश वाकिफ है। बंगाल में जो महिलाओं के साथ लगातार होता आ रहा है, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है, जो अभी घटना हुई है हाल ही में, उसको पूरे देश उसे झंझोड़ चुका है। पूरे देश की हर एक बेटी, क्या हर आदमी भी बहुत ही भयावह स्थिति में आ चुका है कि ऐसा हमारे देश में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हो सकता है। पर ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, एक घटना की बात नहीं है, ये चरमराती जो कानून व्यवस्था है, जो हालात है वेस्ट बंगाल के, वहां की महिलाओं के, ये उसका बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हालांकि किसी भी रेप को, किसी भी बलात्कार को, किसी भी ऐसे जघन्य क्राइम को हम छोटा नहीं कह सकते, लेकिन ये छोटा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इतनी सारी हैं, तो ये एक हिस्सा है बहुत बड़ी, चलते एक पूरे जो चीज चलती आ रही है। हिंसा बहुत बड़ी है, बलात्कार बहुत बड़ा है, लेकिन लगातार जो ये होती आ रही है, बहुत सारी पजल्स है, पूरा पजल बिखरा हुआ है, क्योंकि इसी तरीके से जैसे कि जैसे हमारी यहाँ की कानून व्यवस्था बिखरी हुई है। और बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि वहां के प्रदेश की जो मुखिया है वो एक महिला है, और देश की एक लौती महिला मुख्यमंत्री है, और उनके संरक्षण में अब सरकारी बलात्कार होने लग गए हैं। और ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रही हूँ कि ये सरकारी बलात्कार है, क्योंकि ये सरकार के संरक्षण में हुआ है, और अभी भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है दोषियों को बचाने की, और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह लड़की को न्याय ना मिले और लड़की का चरित्र हनन होता रहे। 9 अगस्त को हम सब को जानते हैं कि एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर, जो एक पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उसके साथ हॉस्पिटल में ही एक घटना घटती है, और उसके बाद क्या होता है, लगातार ऐसी चीजें की जाती हैं कि किस तरीके से घटना स्थल को, क्राइम सीन को, वहां से सबूत मिटाए जाए, लगातार हम देखते आए। और सिर्फ इसमें प्रशासन नहीं, पुलिस, कॉलेज का प्रशासन ममता बनर्जी के इशारे में लगातार काम कर रहा है। हमने ये भी देखा किस तरीके से हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने, कॉलेज के प्रिंसिपल ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करी। शिकायत तब दर्ज होती है जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, लोग सवाल उठाते हैं, और पूरे देश भर से आवाजें आती है। और ये मैं नहीं कह रही, ये हमारी कोर्ट ने, हमारे न्यायालय ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करी और बहुत कड़ी निंदा करी कि क्या कर रहा था कॉलेज का प्रशासन और क्यों पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की गई। जो हमारे डॉक्टर होते हैं, वो धरती पे, हम सब मानते हैं कि वो भगवान का स्वरूप होते हैं, और अगर हम अपने डॉक्टर की ही रक्षा ना कर सके, वो डॉक्टर जो हमें सांस देते हैं, हमने देखा था कोरोना काल में अपनी जान की जिन डॉक्टरों ने चिंता नहीं करी ताकि हमारे घर वाले जी सके, हम लोग जी सके, आज एक डॉक्टर के लिए लोग न्याय मांग रहे हैं, पूरे देश के डॉक्टर सड़क पे हैं, लेकिन उस लड़की को न्याय नहीं मिल रहा। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, दबाव बढ़ता है, पुलिस बीच में आती है, एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन हम सबने देखा जो फोटो सामने आई, जब उस लड़की की बॉडी की फोटो सामने आई, तो वो साफ दिख रहा है कि किस तरीके से बर्बरता से रेप हुआ है, और ये सिर्फ एक आदमी का किया कराया नहीं है। लेकिन वहां की पुलिस क्या करती है, पुलिस कहती है कि ये सुइसाइड है, बिना पोस्टमार्टम करे पुलिस कहती है ये सुइसाइड है। अब पुलिस डॉक्टर का भी काम कर रही है, पोस्टमार्टम भी देख के कर रही है, बॉडी को देख के बता सकती है कि ये सुइसाइड है कि मर्डर है कि क्या है। इतने घटिया काम देश की पुलिस अगर करेगी, रक्षक अगर करेंगे, तो न्याय कहां से मिलेगा। और यहीं तक बात सीमित नहीं थी, लड़की के माँ बाप को 2 बजे तक बॉडी को देखने तक नहीं दिया गया। 2 बजे तक जब उसके फादर बॉडी को देख के आए, तो वो साफ उन्होंने आके बताया कि ये एक आदमी का किया कराया नहीं है, ज्यादा लोगों का दिखाई दे रहा है, जिस हालत में वो बॉडी मिली, जितनी चोटें थी, जिस तरीके से, जिस व्यवस्था में थी,
बहुत ही दर्दनाक। मैं तो अभी आपके सामने बोल रही हूँ, मेरी जबान लड़खड़ा रही है क्योंकि वो फोटो, वो दृश्य मेरे सामने जब आते हैं, एक महिला छोड़िए एक इंसान होने के नाते मैं लिटरली कांप रही हूँ। बोलने में भी हमें तकलीफ होती है कि हम जब इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वहां के शासन, वहां के प्रशासन, वहां की मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा।